नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ये डिमांड था कि हाथरस केस पे कोई अपडेट क्यों नहीं आ रहा है। मैं बता दूं आपको, हाथरस केस पे कोई अपडेट अभी तक नहीं आ रहा था, इस वजह से मैं कोई वीडियो नहीं बना रहा था। लेकिन जैसे ही कल एक अपडेट आई, वैसे ही मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये डिमांड था कि जो चार आरोपी पकड़े गए, संदीप, रामू, लवकुश, रवि, उसके अलावा भी गुनहगार थे। गुनहगार कहने का मतलब है कि जो पुलिस लोग जो जिस तरह से इन्वेस्टिगेट किए थे, जिस वजह से पहले इग्नोर किया गया, उनको भी सज़ा होने की पूरी तरह से सभी लोगों ने ये पक्ष रखा था कि उन लोगों को भी सज़ा हो। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि उन लोगों को भी सज़ा मिलेगा। जी हाँ, एक बड़ी अपडेट है। अपडेट ये है कि विक्टिम के जो वकील है, उन लोगों ने अपील डाला है कि जितने सारे जो इस केस में इन्वॉल्व थे, जितने सारे कह सकते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो कह सकते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो, चाहे पुलिस वाले हो, जो भी हो, उन सभी के ऊपर कार्रवाई हो। तो ऐसा ही नज़र आ रहा है कि अब सब के ऊपर कार्रवाई होगी। बता दूं आपको कि जो डीएम थे प्रवीण कुमार, उनको तो ट्रांसफ़र कर दिया गया, लेकिन उनको अच्छे पोस्ट मिली है, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। साथ में जो सर्कल ऑफिसर थे, जो इन्वेस्टिगेट कर रहा था पहली बार राम शब्द, उनका ऊपर भी कार्रवाई होगी। उस समय तो उनको सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन और कोई काम उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, लेकिन अब जो है उनके ऊपर कार्रवाई होगी। तो अब ये जांच खुलने वाला है पुलिस के ऊपर, और पुलिस के ऊपर पुलिस को जवाब देना पड़ेगा कि उस समय जब पीड़िता का भाई ने बयान दिया था, जब पीड़िता ने बयान दिया था, तो उस समय क्यों नहीं उन चारों को अरेस्ट किया गया था। 5 दिन बाद अरेस्ट किया गया था, मतलब जो सितंबर में जब ये घटना हुई, उसकी जब पीड़िता ने अपील किया था, पीड़िता ने गवाही दी थी, उसके बाद भी उन लोगों को अरेस्ट नहीं किया गया था, कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, यहाँ तक कि FIR को भी पूरी तरह से नेगलेक्ट कर दिया गया था। यह भी कहा जा रहा है कि जब पीड़िता के भाई ने FIR दर्ज करवाया, तो उस समय भी उसमें मॉडिफिकेशन की गई थी, यानी कि जो पीड़िता के भाई ने कहा था, उसको पूरी तरह से उस FIR पे नहीं उतारा गया था। तो ये एक सबसे बड़ी चूक थी पुलिस की, और ये जो है जानबूझ करके किया हुआ काम था। तो इस वजह से जो उस समय के सर्कल ऑफिसर थे, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, उसको तो सस्पेंड कर दिया गया, साथ ही वहाँ के जो DM थे उसको भी ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो अब देखते हैं कि अब कार्रवाई क्यों होती, क्या होती है और कब होती है, क्योंकि सबसे बड़ा जरूरी ये होता है कि जो अपराध करता है उसको सज़ा देना, तो ये तो बात सही है, लेकिन जो अपराध को पनाह देता है या बढ़ावा देता है, उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए। तो अब इस केस में ऐसा ही देखने को मिल रहा है। तो ये अभी फ़िलहाल के लिए सबसे बड़ी अपडेट है, और भी जैसे कि कोई अपडेट आती है, वैसे ही आपको हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले आप तक पहुँच सकेगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।